एक ओर जहां सरकार सर्व शिक्षा अभियान के तहत सब पढ़े सब बढ़े का नारा दे रही है, वैशाली जिले के मस्जिदिया गांव में सरकार की ओर से बांटे जाने वाली किताबें कबाड़ खाने में भी। इन तस्वीरों में साफ आप देख सकते हैं शिक्षा विभाग की लापरवाही का ये आलम है। आखिर इस कबाड़ खाने में किताबें पहुंची कैसी? जब इस मामले में कबाड़ खाने के मालिक से पूछा गया तो उसने बताया कि स्कूल के शिक्षक ने ही इन किताबों को बेचा है। बताया जा रहा है कि विद्यालय के प्रिंसिपल शिक्षक पति के सर्वे सर्व शिक्षा अभियान की सभी पुस्तकें 1500 रुपए में बेच रही। हालांकि जब इस बात की जानकारी जिला अधिकारी को मिली तो उन्होंने दोषी शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया। रामनंदन राय जो जिन्होंने इस कबाड़ी वाले को बिक्री की, तो इसमें पुलिस को कहा है कि आप इसमें केस दर्ज करें और जिला शिक्षा पदाधिकारी को कहा है कि आप इसमें कंसर्न टीचर को सस्पेंड करते हुए विभागीय कार्रवाई प्रारंभ करें।